गुजरात में इस प्रकार किस प्रकार की तैयारियां हैं गोपी, और दूसरी बात पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी सजग हो चले हैं हम, तो वहां पर भी क्या आर्टिफिशियल तालाब वगैरह निर्मित किए गए हैं और ग्रीन प्रतिमाओं की ओर कितना रुझान देखने को मिल रहा है इस बार गोपी? बिल्कुल, देखिए वैभव, इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर, और रिवर फ्रंट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल तालाब यहाँ पे बनाया गया है। जो लोग गणपति विसर्जन के लिए आ रहे हैं उनके लिए इस खास तालाब को बनाया गया है। यहाँ पे 3 फीट से जो ऊंची मूर्तियां रहती है उनका विसर्जन किया जाएगा, जो छोटी मूर्तियां हैं उनका भी विसर्जन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त जो गणपति विसर्जन के लिए जो लोग हैं, जो अपने घरों में इतने दिनों से गणपति बाप्पा की ये मूर्ति को स्थापित किए हुए थे, वही लोग अब विसर्जन के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और आज गणपति विसर्जन का ये जो मौका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो धीरे धीरे, जो खास करके जो घर पे रखे हुए गणपति बप्पा रहते हैं, वो गणपति बप्पा का विसर्जन के लिए यहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं बड़ी क्रेन भी यहाँ पे लाई गई है। ये बड़ी क्रेन 3 बजे के बाद जब बड़े गणपति पंडाल के गणपति आएंगे तो उसके लिए यहाँ पे ये रखी गई है, और उसके जरिए यहीं पे गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा। 6 फीट तक का ये पूरा जो छोटा सा तालाब है उसे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गणपति विसर्जन है और जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। लोग जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। हर किसी की अपनी एक श्रद्धा रहती है गणपति बाप्पा से जुड़ी हुई, और हर कोई यहाँ पे गणपति बाप्पा को विसर्जित करते हुए काफी भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ उनका एक जुड़ाव बन जाता है जब 10 दिनों तक घरों में रहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से भी बात करते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं गणपति बाप्पा के विसर्जन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल जो गणपति बाप्पा की प्रतिमा है उसका जो विसर्जन है, जो महिलाएं देखिए आप, क्योंकि एक भावना एक श्रद्धा भी जुड़ जाती है, और उसी के साथ यहाँ पे गणपति विसर्जन की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो भी की जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जिनके घर के अंदर गणपति बाप्पा थे, उनसे बात करते हैं। ये बताइए आज कैसा लग रहा है, क्योंकि गणपति बाप्पा आपके घर पे 10 दिन रहे, आज विदाई हो रही है। विदाई हो रही है तो मन में बहुत दुख होता है हमको कि ये विसर्जन करने का मन नहीं होता हमको कि लाओ विसर्जन नहीं करने का, पर 10 दिन रखने के बाद तो विसर्जन तो करना ही पड़ता है ना, इसलिए हमने मन को बहुत दुख होता है। इसलिए सुबह में हमें सुबह के 5 बजे उठ के गणपति बाप्पा को आरती करी, निवेद धराया, थार दिया, बता सब पर करके हमें परेशानी आया है बाबा को। बिल्कुल, आप देखिए हाथों में प्रसाद लेके यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे गणपति बाप्पा का जो विसर्जन है वो प्रक्रिया भी यहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे तालाब है, क्योंकि अक्सर हमने इससे पहले देखा है कि जो साबरमती नदी में गणपति विसर्जन किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसी तरीके से एक छोटा जो साबरमती नदी का किनारा है वहाँ पे रिवर फ्रंट पे इस तरीके से एक छोटा सा तालाब जैसा बना दिया जाता है, और उसी में गणपति विसर्जन किया जाता है। यहाँ पे ज्यादातर क्योंकि सुबह का टाइम है, अब कुछ ही लोग जो घन के गणपति होते हैं उनको ही लेकर आते हैं, लेकिन शाम होते होते जो पंडाल के गणपति है वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणपति, क्योंकि देखिए कि प्रशासन की एक मुस्तैदी मैं कहूंगा और बहुत ही अलर्ट मैं कहूंगा प्रशासन है, क्योंकि इस प्रकार ट्रेन की व्यवस्था करना जिससे कि कोई हादसा ना हो सके, क्योंकि भारी भीड़ होती है गोपी। और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम है, क्योंकि भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सुरक्षा का बहुत अहम जिम्मा हो जाता है प्रशासन के हाथों में गोपी। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं इस बार, क्योंकि जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, और आम तौर पर गुजरात के अंदर और खास करके अगर अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो अहमदाबाद में जो साबरमती नदी का किनारा है, ये आप देख सकते हैं ये साबरमती नदी का किनारा है, जो पीछे की साइड पे आपको दिख रहा है ये साबरमती नदी का किनारा है, और वहीं पे रिवर फ्रंट आया हुआ है, और रिवर फ्रंट पे ही इस तरीके से ये जो छोटे छोटे तालाब है उसे बनाया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो साबरमती नदी है उसमें गणेश विसर्जन किया जाता है, लेकिन प्रशासन की यही मुस्तैदी कहेंगे कि इस बार जो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ना, और खास करके मिट्टी के गणपति जो लोग अपने घरों के अंदर भी विसर्जन कर पाए उसके लिए खास नियम भी बनाए गए हैं, तो वैसे गणपति भी काफी ज्यादा उसकी तादाद जो है वो बढ़ गई है। साथ ही पुलिस भी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए है। करीब अहमदाबाद के जो साबरमती रिवर फ्रंट पर आने वाले जितने भी ब्रिज है, जिसमें से 3 से 4 ब्रिज जहाँ पे
मैक्सिमम ट्रैफिक आता है उन ब्रिज को बंद कर दिया गया है दोपहर 1 बजे से लेके शाम तक, ताकि गणपति विसर्जन में जो लोग आते हैं उनको कहीं पे भी परेशानी ना हो या ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो। पूरा रूट उसे चेंज किया गया है, यहाँ तक कि साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है उसे भी तैनात कर दिया गया है पूरे रूट पे, क्योंकि जब बड़े गणपति आते हैं तो वो ट्रकों में सवार होकर आते हैं, उनका एक पूरा अलग ही एक बड़ी तादाद में लोग उसके साथ होते हैं, तो उसके लिए एक पूरा अलग ही इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद है वहां पे छोटे गणपति आते हैं और जहां पे गणपति का विसर्जन किया जाता है।